हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 मच अवेटेड इंडियन फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिनका व्यूअर्स को है बेसब्री से इंतजार। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी इस लिस्ट में टॉप 10 की पोजीशन पर आती है अपने 2। जी हाँ, 2007 में अपने 2 का पहला पार्ट रिलीज हुआ था जिसमें हमें पहली बार धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ देखने को मिले थे और इस फिल्म को व्यूअर्स का खूब प्यार मिला था। अब एक बार फिर से ये फिल्म 15 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए आ रही है अपने पार्ट 2 के साथ और इस बार हमको इसमें सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आएंगे। ये फिल्म इसी साल 2022 में रिलीज होगी। नंबर 9 की पोजीशन पर आती है वरुण धवन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ कृति सैनन भी हमको देखने को मिलेगी। वरुण धवन इस फिल्म में भेड़िया की भूमिका में नजर आएंगे। वरुण धवन के साथ साथ उनके फैंस को भी इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। ये फिल्म भी इसी साल 2022 को देखने को मिलेगी। नंबर 8 की पोजीशन पर आती है रणबीर कपूर की एनिमल। जी हाँ, पिछले साल इस फिल्म का एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें रणबीर कपूर का वॉइस ओवर सुनने को मिला था और इस मोशन पोस्टर ने पूरे बॉलीवुड में जैसे तहलका मचा दिया था। तब से इस फिल्म का व्यूअर्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ये क्राइम फिल्म होगी जिसमें हमको रणबीर कपूर के साथ बॉबी देओल, प्रीति चोपड़ा और अनिल कपूर देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे संदीप रेड्डी वंगा जिन्होंने कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी धाकड़ फिल्में बना चुके हैं। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। हमारी इस लिस्ट में 7th पोजीशन पर आती है लेगर। इस फिल्म में आपको साउथ के सुपरस्टार विजय देवकोंडा देखने को मिलेंगे और उनका साथ देंगे अनन्या पांडे। इस फिल्म में विजय देवकोंडा एक बॉक्सर का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे पूरी जगन्नाथ। ये फिल्म पिछले साल रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से हो ना पाई और अब ये फिल्म इस साल रिलीज होगी। नंबर 6 की पोजीशन पर आती है टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत। इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में पहली बार कृति सैनन भी धमाकेदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी। इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट 2022 को रिलीज होगा। नंबर 5 की पोजीशन पर आती है शाहरुख खान की पठान। इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार है। 2018 में अपनी फिल्म जीरो के फ्लॉप हो जाने के बाद शाहरुख खान ने एक लंबा ब्रेक ले लिया था और अब 4 साल के बाद शाहरुख खान वापस लौट रहे हैं पठान के साथ और इनका साथ देंगे जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण। ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी। नंबर 4 की पोजीशन पर आती है बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की टाइगर 3। जी हाँ, टाइगर 1 और टाइगर 2 की कामयाबी के बाद इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस फिल्म का लास्ट शूट चल रहा है और उसी के चलते ये फिल्म इसी साल हमको देखने को मिलेगी। इस फिल्म में शाहरुख खान भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगे क्योंकि पठान की स्टोरी जिस जगह पर खत्म होगी वहीं से टाइगर की दहाड़ शुरू होगी। नंबर 3 की पोजीशन पर आती है पुष्पा। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद अपने नाम का ऐसा डंका बजाया है जिसकी गूंज पूरे बॉलीवुड तक सुनाई दी है। इस फिल्म के सॉन्ग से लेकर डायलॉग का बुखार पूरे इंडिया से लेकर विदेशों तक खूब देखने को मिला और कमाई के मामले में इस फिल्म ने जैसे झंडे गाड़ दिए हैं। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज होना है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म हमको क्रिसमस के मौके पर देखने को मिल सकती है। और नंबर 2 की पोजीशन पर आती है एस एस राजामौली की फिल्म RRR। इस फिल्म का जितना लोगों ने वेट किया है शायद ही किसी फिल्म का किया होगा। कोरोना की वजह से बार बार इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज हो रही थी। पहले ये फिल्म पिछले साल रिलीज होनी थी, फिर ये फिल्म इसी साल के फर्स्ट वीक में रिलीज होनी थी पर हो ना सकी और अब फाइनली ये फिल्म अप्रैल के मंथ में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में आपको अजय देवगन, जूनियर एनटीआर, रामचरण और आलिया भट्ट देखने को मिलेंगे। और नंबर 1 की पोजीशन पर जिस फिल्म ने बाजी मारी है उसका नाम है KGF चैप्टर 2। जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार यश की KGF 2 का इंतजार लोगों को पिछले 4 साल से है। इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट 2018 को रिलीज हुआ था और अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट 2022 को रिलीज होगा और इस बार उनका साथ देंगे संजू बाबा और विनर टंटन जिनके आने से इस फिल्म का लेवल और ज्यादा उठ गया है। तो ये थी आज की हमारी टॉप 10 इंडियन मूवीज जिनका ऑडियंस को है बेसब्री से इंतजार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि इस तरह की और धमाकेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।